हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट करें अगर हमें उसका रियल या इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक गिवन हो तो। उसके लिए मेथड फर्स्ट हम देख चुके हैं CR इक्वेशंस को यूज करके पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेलन थॉमसन मेथड, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, और उसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, चलिए पहले उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना कि डिटरमाइन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हुज इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। तो हमने सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किया था। मेथड फर्स्ट हमने यूज किया था कि CR इक्वेशंस को यूज करके हम अदर पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपका हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रियल पार्ट किसी भी फंक्शन एफ ऑफ जेड को अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में। वी हमें गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, रियल पार्ट। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो u ऑफ एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है u किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का, क्योंकि कार्टिशियन फॉर्म में हमें भी गिवन है। तो कंप्लीट डेरिवेटिव अगर मैं लिखूं तो मैं लिखती हूं डेल u ऑफ डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u ऑफ डेल y इंटू में डी वाई। अब CR इक्वेशंस अगर हम यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, du को डेल u ऑफ डेल x किसके इक्वल होता है, डेल v ऑफ डेल y इंटू में डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है, डेल माइनस साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है इंटू में डी वाई। अब हमने ये वी के टर्म्स में लिखे हैं CR इक्वेशन यूज करके, क्योंकि वी हमें गिवन है तो इनके डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ बोथ साइड तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और कर्ल v अपॉन कर्ल y को अगर मैं देखूं, v का अगर हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x अपना क्या होगा, कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो क्या आएगा 6x आएगा इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस माइनस साइन में बाहर लेती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डेल v अपॉन डेल x, v का हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 6y आएगा, और दूसरी साइड से क्या आएगा माइनस 5 आएगा, ठीक है, इंटू में डी वाई। अब हम क्या देखते थे, अगर हम देखते थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो वहाँ पे हम क्या कहते थे कि n में x की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी x की टर्म्स नहीं है तो हम स्किप करेंगे नहीं, तो क्या आएगा फिर यहाँ से, x का मैं करती हूँ इंटीग्रेशन तो क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाई टू होता है, माइनस 6 अपना बाहर आएगा, y का क्या होगा वाई स्क्वेयर बाई टू होगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5y प्लस c, तो ये 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और ये भी, तो अपना आंसर क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रियल पार्ट की वैल्यू हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ u ऑफ एक्स वाई कोरेस्पोंड टू कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन w इज गिवन बाय v ऑफ एक्स वाई। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमें पता है कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन हमें गिवन हो तो उसका रियल और इमेजनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं और हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हमें फंक्शन क्या गिवन है, एनालिटिक फंक्शन गिवन है, तो जब भी हम एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके रियल और इमेजनरी पार्ट CR कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि हमें रियल और इमेजनरी पार्ट बोथ गिवन है तो हम ट्राई करेंगे CR कंडीशंस लगाने का। तो जब हम CR इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, हमें पता है CR इक्वेशंस क्या होते हैं, कर्ल यू ऑफ कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल बी अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। तो अगर कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स की मैं बात करूँ तो वो हमारा क्या आता है, टू इंटू में वन माइनस वाई, और कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल आता है, बीटा आएगा यहाँ से, इज इक्वल किसके है, बीटा प्लस टू गामा वाई। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, ये हमारा क्या आ रहा है, टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस टू गामा वाई।
तो जो कांस्टेंट नंबर है हमारा वो नंबर के इक्वल होगा, और वाई वाली टर्म के इक्वल होगी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारी आ रही है 2 और गामा की वैल्यू क्या आ रही है -1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन अगर हम सेटिस्फाई कराएं, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल होता है, वाई के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो हमारा -2x आ जाएगा, और इक्वल किसके है, माइनस साइन माइनस में ले लेती हूँ, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स हम करते हैं वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आता है 2α x। अब अगर इस टर्म को आप कंपेरिजन से देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगी। तो अल्फ़ा हमारा 1 है, गामा -1 है और बीटा 2 है। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा इनमें से ट्रू है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा हमें गिवन है, अल्फ़ा 1 है और गामा क्या है -1, तो +1 इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, अपना सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए आंसर हमारा करेक्ट है। अगर हम अदर ऑप्शंस भी देखें तो हमारा क्या आता है, अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू क्या है -1 और बीटा की +2, वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब बी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बी इनकरेक्ट होगा। सी पार्ट को अगर आप देखो तो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, गामा क्या है -1, तो ये तो 0 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 2 है, तो सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप डी पार्ट को देखते हो तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की 2 इंटू में -1, वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो करेक्ट आप आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक गिवन हो तो उसके लिए हम दो मेथड्स देखते हैं। एक मेथड है हमारा सीआर इक्वेशंस को यूज करके, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा मेथड है हमारा मीलन थॉमसन मेथड, और इस मेथड की हेल्प से अगर कोई एक पार्ट हमें गिवन है तो बिना दूसरा पार्ट फाइंड आउट करे हम डायरेक्टली फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्किंग रूल क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वर्किंग रूल फर्स्ट हमारा क्या है, क्योंकि यू ऑफ एक्स वाई हम मान के चल रहे हैं कि हमें गिवन है, तो हम फाइंड आउट करेंगे यू का एक्स के साथ में डेरिवेटिव और यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे फाइव वन एक्स वाई का और इसको हम नाम दे देंगे फाइव टू एक्स वाई का। उसके बाद दूसरा रूल है हमारा कि हम एक्स को रिप्लेस करेंगे जेड से और वाई को रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो उससे हमें क्या मिलेगा, फाइव वन जेड जीरो और फाइव टू जेड जीरो, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तीसरा रूल है हमारा कि हम एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो और उसका इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन हमें मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और हमने एक्स को जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस क्यों किया, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके पीछे बेसिक्स क्या है हमारी। अगर एफ ऑफ जेड को हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर डिफ्रेंशिएशन करें हम एफ ऑफ जेड का तो हम लिखते हैं डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और ये डिफ्रेंशिएशन कब होता है, जब हम सिर्फ रियल एक्सिस की बात करते हैं, और रियल एक्सिस हमारी क्या होती है एक्स, सिर्फ इसकी अगर हम बात करते हैं तो उस केस में वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं जेड को लिखती हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई तो हमारा क्या है, जीरो है, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, जेड के इक्वल आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं जेड से और वाई को रिप्लेस करते हैं जीरो से, तो उस केस में हमारा जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जेड है वो ये आता है। ठीक है, अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन लूँ बोथ साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें यू ऑफ एक्स वाई ही गिवन है, वी ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये टर्म है उसको हम सी आर इक्वेशन यूज करके यू के टर्म्स में लिख लेंगे। तो सी आर इक्वेशन यूज करने के बाद कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स तो हमारा है ही प्लस आयोटा, और इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई।
और ये किसके इक्वल है, एफ डैश जेड के इक्वल है। अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एक्स हमारा किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, और वाई जीरो के इक्वल है, तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल आ रही है, फाई वन जेड जीरो के इक्वल आ रही है। और माइनस अगर मैं बाहर लूँ, माइनस आइटा, और ये टर्म किसके इक्वल है, फाई टू जेड जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ डैश जेड। अगर मैं इंटीग्रेशन लेती हूँ तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ जेड मिलता है, और इस टर्म का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इमेजनरी पार्ट गिवन हो तो उस केस में हमारे वर्किंग रूल्स क्या क्या होंगे, वो हम देखते हैं। तो केस सेकंड हमारा क्या है, इफ़ इमेजनरी पार्ट इज गिवन, इफ वी एक्स वाई गिवन, वी एक्स वाई गिवन हो तो हम कैसे वर्किंग रूल फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में फर्स्ट वर्किंग रूल हमारा है कि हम वी का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसको हम नाम दे देंगे साई वन एक्स वाई का, ठीक है। दूसरा है कि हम वी का डेरिवेटिव लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, और उसको हम नाम दे देंगे साई टू एक्स वाई का, ठीक है। फिर सेकंड रूल हमारा क्या है कि हम एक्स को रिप्लेस करेंगे जेड से, और वाई को रिप्लेस करेंगे जीरो से, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, टू गेट साई वन जेड जीरो और साई टू जेड जीरो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड रूल हमारा है कि हम एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साई टू जेड जीरो प्लस आयोटा साई वन जेड जीरो, और इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड मिलेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एफ डैश जेड हमारा क्या होता है, डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ऑफ डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट गिवन है तो हम सी आर इक्वेशन यूज करेंगे, और डेल यू ऑफ डेल एक्स को हम वी की टर्म्स में लिख लेंगे, तो हमारा क्या आता है, डेल वी ऑफ डेल वाई आता है प्लस आयोटा डेल वी ऑफ डेल एक्स। और ये कभी पॉसिबल है जब एक्स हमारा जेड है और वाई जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आती है वो क्या आती है, साई टू जेड जीरो प्लस आयोटा साई वन जेड जीरो। और अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन लेती हूँ जेड के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल के आएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारा क्या आता है, ये फाई वन जेड जीरो तो हमारा इक्वल होता है साई टू जेड जीरो के, और माइनस फाई टू जेड जीरो हमारा इक्वल किसके होता है, साई वन जेड जीरो के। और ये इक्वल होता है सी आर इक्वेशंस को अगर हम देखें ना, तो ये इक्वल होता है। फाई वन जेड जीरो हमारा क्या है, फाई वन जेड जीरो को अगर आप देखो तो वो है डेल यू ऑफ डेल एक्स, और वो किसके इक्वल है, साई टू जेड जीरो के, और साई टू जेड जीरो क्या है हमारा, डेल वी ऑफ डेल वाई, ठीक है। अब माइनस फाई टू जेड जीरो क्या है, फाई टू जेड जीरो है हमारा माइनस ऑफ डेल यू ऑफ डेल वाई, और वो किसके इक्वल है, साई वन जेड जीरो के, साई वन जेड जीरो हमारा क्या है, डेल पी ऑफ डेल एक्स। तो यही हमारी सी आर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो सी आर इक्वेशंस को भी यूज करके इस फंक्शन से आप ये लिख सकते हो। तो डायरेक्टली हमारा ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से जनरेट हो जाएगा अगर हम सी आर इक्वेशंस यूज करते हैं तो, ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। आप भी बस ये ध्यान रखना कि अगर हमें रियल पार्ट गिवन है तो हमें ये वर्किंग रूल अप्लाई करने हैं और एफ ऑफ जेड निकालना है। अगर हमें इमेजनरी पार्ट गिवन है तो हम ये वर्किंग रूल्स अप्लाई करेंगे और एफ ऑफ जेड निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे हम वर्किंग रूल्स अप्लाई करेंगे और एफ ऑफ जेड निकालेंगे। एग्जांपल है हमारा कि हमें कोई एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है जिसका रियल पार्ट यू है, इमेजनरी पार्ट वी है, और हमें गिवन है यू माइनस वी। मेथड सेकेंड में हमने क्या देखा है कि अगर हमें किसी फंक्शन का रियल या इमेजनरी पार्ट कोई एक गिवन हो तो हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यू माइनस वी गिवन है। तो हम ट्राई करेंगे यू माइनस वी को या तो रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट में लिखने का किसी अदर फंक्शन का। तो चलिए हम देखते हैं। एफ ऑफ जेड हमें पता है क्या होता है, यू प्लस आइटा वी, और अगर मैं इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या होगा, आइटा यू माइनस वी हो जाएगा।
और अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन को मैं नाम दे देती हूँ कैपिटल एफ ऑफ जेड का, तो यू माइनस वी क्या होगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और यू प्लस वी क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल यू का, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल वी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमें u माइनस वी गिवन है, मतलब हमें रियल पार्ट गिवन है f ऑफ z का, तो कैपिटल f ऑफ z हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इस टर्म को मैं 1 प्लस आइटा से डिवाइड करूँ तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल f ऑफ z मिलेगा, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हमें u गिवन होता है, रियल पार्ट गिवन होता है, तो उस केस में हमारे वर्किंग रूल्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा होता है कि हम डेल यू ऑफ डेल एक्स निकालते हैं, उसको हम नाम देते हैं फाई वन एक्स वाई का, और डेल यू अपॉन डेल वाई हम निकालते हैं, उसको हम नाम देते हैं फाई टू एक्स वाई का। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा था कि हम एक्स को रिप्लेस करते हैं जेड से, वाई को रिप्लेस करते हैं जीरो से, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, फाई वन जेड जीरो और फाई टू जेड जीरो हम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड स्टेप था हमारा कि हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला फाई वन जेड जीरो माइनस आइटा फाई टू जेड जीरो, और उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, कैपिटल एफ ऑफ जेड की। और अगर कैपिटल एफ ऑफ जेड को हम 1 प्लस आइटा से डिवाइड करेंगे तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम रियल पार्ट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं और हम उसको लिखते हैं फाई वन एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है वो फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन के रूप में गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, और वो वैल्यू हमारी आती है 2x प्लस 4y प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर फाइव वन जेड जीरो हम फाइंड आउट करते हैं तो हम x की जगह पे z रखते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं, इनटू में 2z हमारा आ जाएगा, और ये टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ से हमारा z स्क्वायर आता है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है, 3z स्क्वायर। अब फाइव टू एक्स वाई अगर हम फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ हो जाएगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, वो वैल्यू हमारी आती है 4x प्लस 2y। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4xy है यहाँ पे, 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इंटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1। अब हम फाइव टू जेड जीरो फाइंड आउट करें तो x की जगह पे z रखेंगे, y की जगह पे 0, तो हमारा क्या आता है, 4z प्लस, और यहाँ पे माइनस है क्योंकि, तो यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इनटू में z स्क्वायर होगा, x की जगह पे z रखेंगे और ये टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी, तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है, 3z स्क्वायर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल एफ ऑफ जेड हम फाइंड आउट करते हैं, फाइव वन जेड जीरो हमारा क्या है, 3z स्क्वायर माइनस आइटा, फाइव टू जेड जीरो भी हमारा क्या है, 3z स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, 1 माइनस आइटा, हम अगर हम 3z स्क्वायर कॉमन लें, 3z स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो 1 माइनस आइटा हमारा बचता है, और इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 3 इंटू में 1 माइनस आयोटा, और जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कोई कॉन्स्टेंट C1 हम मान लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, और कैपिटल एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड, तो 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड, और वो क्या होगा हमारा, 1 माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस C1। ठीक है, अब इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस आइटा से, 1 माइनस आइटा से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या आता है हमारा, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जेड क्यूब प्लस C1। C1 के साथ भी 1 माइनस आइटा की मल्टीप्लाई होगी, तो हम मान लेते हैं हमें कोई कॉन्स्टेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर, आर टा स्क्वेयर क्या होगा, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन हमें मिलता है इंटू में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर इसका हम स्क्वायर ओपन करें तो हमें मिलता है वन प्लस आर टा स्क्वेयर माइनस टू आर टा इंटू में जेड क्यूब प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से क्या आता है हमारा टू एफ ऑफ जेड इक्वल किसके आता है, वन माइनस वन माइनस टू आइटा जेड क्यू प्लस सी। तो वन से माइनस वन कैंसिल होगा, ये टर्म हमारी बचेगी, अब टू से टू कैंसिल होगा, तो एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल आता है, माइनस आइटा जेड क्यूब प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की पावर सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है, कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। पावर सीरीज एक्सपेंशन में हम दो तरह की सीरीज पढ़ेंगे, एक तो टेलर सीरीज हम पढ़ेंगे, एक लोरेंट सीरीज पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि पावर सीरीज होती क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। पावर सीरीज वो सीरीज होती है जो जेड माइनस जेड नोट की पावर्स में हो, ए सीरीज इन द पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड नोट, जो जेड माइनस जेड नोट की पावर्स में होगी उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, पावर सीरीज। तो एक ऐसी ही सीरीज अगर मैं लिखूं तो मैं लिखती हूं समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। तो अगर इस सीरीज को हम एक्सपेंड करें तो हम देखते क्या है, अगर n जीरो लेते हैं तो a नोट आता है, प्लस अगर a n वन लेते हैं तो a वन जेड माइनस जेड नोट की पावर वन, प्लस a टू जेड माइनस जेड नोट की पावर टू, प्लस अप टू अगर nth टर्म मैं लिखूं तो a n जेड माइनस जेड नोट की पावर n, और अप टू इन्फिनिटी तक होगी ये, ठीक है। तो जहाँ पे a नोट, a वन, a टू, ए एन, ये जितने भी हैं ये क्या है, कोफिशियंट है सीरीज के, कोफिशियंट ऑफ सीरीज। और अगर जेड नोट हम देखें तो जेड नोट क्या है, सेंटर है सीरीज का, सेंटर ऑफ सीरीज, और जेड क्या है, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो अगर इस सीरीज की हम बात करें तो ये सीरीज है अबाउट जेड नोट, इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो है वो सीरीज अबाउट जेड नोट है, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, जेड नोट है। अगर मैं जेड नोट की जगह पे जीरो लूँ तो हम क्या लिखते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, और वो सीरीज हम कैसे लिखेंगे, ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस अप टू ए एन जेड की पावर एन और अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है वो अबाउट, सीरीज अबाउट ओरिजिन है, या फिर मैं बोलूँ अबाउट जेड, जेड नोट इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की मैं बात करूँ, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज एनालिटिक, अगर वो एनालिटिक है किस पॉइंट पे, एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे, अगर कोई फंक्शन जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे एनालिटिक है तो उस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पावर सीरीज एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो उस फंक्शन को हम लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ठीक है। तो ये जो सीरीज हमने लिखी है उस फॉर्म में हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो सीरीज हमने लिखी है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वो हम कैसे चेक करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम कन्वर्जेंस टेस्ट देखें सीरीज का, कन्वर्जेंस के लिए हम क्या देखते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब उसकी जो लास्ट वाली टर्म्स हैं अगर वो पहले वाली टर्म्स से छोटी होंगी तो उस केस में वो जीरो को अप्रोच करती जाएगी, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर लास्ट वाली टर्म्स पहले वाली टर्म्स से बड़ी बड़ी हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो बढ़ती जा रही है, मतलब सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो उसके लिए एक हमारा होता है रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट में हम क्या देखते हैं,
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और इसका मॉडुलस अगर लेस देन वन होता है तो हम बोलेंगे कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, मतलब अगर एन प्लस वनथ टर्म को हम देखें, अगर वो nth टर्म से छोटी आती है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएं तो जो सीरीज है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब वो टुवर्ड्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ग्रेटर देन वन है तो हम क्या बोलेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर n प्लस वनथ टर्म ए एन nth टर्म से बड़ी है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो जो आगे की फर्दर टर्म्स हमारी आ रही हैं वो बढ़ रही हैं, मतलब वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहे हैं, तो जो सीरीज हमारी होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अभी रेशियो टेस्ट में हमने क्या देखा है कि अगर n प्लस वनथ टर्म nth टर्म से छोटी है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, मीन्स अगर फर्दर टर्म्स हमारी डिक्रीज कर रही हैं तो सम हमारा क्या होगा, सीरीज का एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, और जब भी सीरीज का सम एक फाइनाइट वैल्यू आता है तो उस केस में सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। और अगर फर्दर टर्म्स हमारी इंक्रीज कर रही हैं तो वो अप्रोच कर रही हैं इन्फिनिटी को, तो उस केस में जो सीरीज का सम है वो इन्फिनिटी आएगा और सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने ए एन प्लस वन लिख दिया एन प्लस वनथ टर्म को दिखाने के लिए, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे आप टी एन प्लस वन भी लिख सकते हो, टी एन प्लस वनथ टर्म के लिए और एनथ टर्म के लिए टी एन आप लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने का, कि जो सीरीज़ हमने लिखी है कोई भी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वो कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंट होगी। उसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ हमारी होती हैं, या तो कोई सीरीज़ केवल एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो, या फिर वो किसी रीजन में कन्वर्जेंट हो, और वो रीजन क्या होगा, डिस्क शेप का होगा, सर्कुलर रिंग शेप का होगा, या सर्कल के शेप का होगा, और तीसरा वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंट हो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने की, ये तीन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पॉसिबल हैं। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट की, जो सीरीज़ है वो केवल एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो, तो अगर हम उसका एग्जांपल देखें, तो अगर मैं सीरीज़ लिखूं n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी समेसन n फैक्टोरियल इंटू में z की पावर n, ये कोई सीरीज़ है, हम चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंट है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या होगा, किसी भी सीरीज़ को अगर हम चेक करें कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वनथ टर्म डिवाइडेड बाई nth टर्म, और उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, उसी केस में हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी। तो n प्लस वनथ टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल आती है, n प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू में z की पावर n प्लस वन, और nth टर्म किसके इक्वल आएगी, n फैक्टोरियल इंटू में z की पावर n, और इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, तभी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से जो रीजन निकल के आता है वो हमारा क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो ये हम चेक करते हैं, तो यहाँ से रीजन हमारा क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल और z की पावर n प्लस वन, और नीचे क्या है हमारा, n फैक्टोरियल है तो इससे ये कैंसिल होगा, z की पावर n से ये कैंसिल होगी, तो सिर्फ z हमारा बचेगा, और इसका मॉडुलस लेस देन वन होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन इंटू में z, इसका मॉडुलस लेस देन वन होना चाहिए। और हम क्या कह रहे हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म हमारी क्या होगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब इसका मॉडुलस लेस देन वन होने के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम z को क्या ले लें, जीरो ले लें। अगर जेड इज इक्वल टू ज़ीरो होगा उसी केस में इसका मॉडुलस लेस देन वन होगा, और उसी केस में सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो रीजन जो होगा कन्वर्जेंस का वो क्या होगा कि जो सीरीज है वो केवल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए ही कन्वर्जेंट है। अगर दूसरे की हम बात करें
कि सीरीज है ना वो किसी रीजन में कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, समेशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपोन सिर्फ जेड की पावर एन, ठीक है। तो अगर इस सीरीज को हम देखें तो हम लिखते हैं वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब इस सीरीज की अगर मैं बात करूं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एथ टर्म, एन एथ टर्म से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए तो ही सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो एन प्लस वन एथ टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी क्या आती है, जेड की पावर एन प्लस वन, और एन एथ टर्म क्या होगी, जेड की पावर एन। इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, लिमिट क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो अगर जेड की पावर एन से मैं ये कट करूँ तो सिर्फ जेड आता है हमारा, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मोड ऑफ जेड लेस देन वन होना चाहिए, तो उस केस में सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल रहा है कि मोड ऑफ जेड लेस देन वन होना चाहिए। अब ये रीजन हम देखते हैं कि ये रीजन किस टाइप का आता है, सर्कल डिस्क सर्कुलर रिंग किस टाइप का हमारा रीजन आता है। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अगर मैं लिखूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मोड ऑफ जेड को हम क्या लिखते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इज इक्वल टू वन। अगर मैं स्क्वेयरिंग करती हूँ बोथ साइड तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। और इस इक्वेशन को आप देखो तो ये क्या बता रही है कि सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या है, वन है, और सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या रीजन मिल रहा है कि जो रीजन हमें मिल रहा है वो रेडियस वन के इनसाइड वाला मिल रहा है, क्योंकि वन से लेस होना चाहिए ना रीजन। तो जो रेडियस वन के इनसाइड वाला जो रीजन होगा ना वहाँ पे सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और जो आउटसाइड या फिर अगर बाउंड्री की हम बात करें तो वहाँ पे सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। सीरीज कन्वर्जेंट होगी केवल इनसाइड वाले रीजन के लिए, ठीक है। तो तीसरा और हम देखते हैं, तीसरा हमारा है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और उसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल सीरीज है हमारी समेशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। और सीरीज को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है जीरो के लिए वन हो जाएगा प्लस एन इज इक्वल टू वन के लिए जेड होगा, एन इज इक्वल टू टू के लिए होगा जेड स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए क्या होगा जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज का फाइंड आउट करें तो हम क्या देखते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एथ टर्म डिवाइडेड बाई एन एथ टर्म और इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। तो एन प्लस वन एथ टर्म की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या आता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एथ टर्म हमारी आती है जेड की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन एथ टर्म हमारी क्या आएगी, जेड की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से जेड की पावर एन से ये कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, जेड की पावर वन, और एन प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा और इसका मोड क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। तो अगर हम देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z की पावर वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, इसका मोडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। अब n टेंस टू इन्फिनिटी हम कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, टेंस टू इन्फिनिटी होगी, और जेड अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो टर्म हमारी आएगी वो क्या हो रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। तो क्या है ये, ऑलवेज लेस देन वन है। तो अगर जेड की कोई भी वैल्यू हम कंसीडर करें उसके लिए जो सीरीज है हमारी है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा होगा वो क्या होगा कि वो सीरीज पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि वो जेड की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए,
वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसके लिए तीन रीजन पॉसिबल होते हैं। पहला तो ये कि वो कन्वर्जेंट हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर वो पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो हो जाएगी उस केस में। अगर वो कन्वर्जेंट होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, और पर्टिकुलर रीजन हमारा क्या होता है, या तो सर्कुलर शेप का होता है या डिस्क शेप का होता है, तो उस केस में जो रेडियस होगी सर्कल की वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी। तीसरा होता है कि अगर वो कन्वर्जेंट हो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी जनरल सीरीज के लिए। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है हमारा, वो हमें एनालिटिक गिवन है एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे, तो उसको हम पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, ऐसे हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि वे ड्रॉ ए सर्कल, ये वाला सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। तो जो ये इक्वेशन हमने लिखी है उसको हम देखते हैं कि वो सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, और कौन सा सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। तो जेड माइनस जेड नोट का मोड इज इक्वल टू आर को अगर मैं देखूं, तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं जेड क्या है, एक्स प्लस आयटा वाई है, और जेड नोट है हमारा एक्स माइनस एक्स नोट प्लस आयटा वाई नोट। तो z माइनस जेड नोट हमारा क्या आएगा, x माइनस एक्स नोट प्लस आयटा वाई माइनस वाई नोट, और इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए r के। अब इसके मॉडुलस की अगर हम बात करें तो वो होता है x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होना चाहिए, r के। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं बोथ साइड, तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप देखो तो ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सर्कल को, और जिसका सेंटर क्या है, एक्स नोट वाई नोट है, और रेडियस क्या है, r। एक्स नोट वाई नोट किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जेड नोट के। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर क्या है, जेड नोट है, और रेडियस r है। तो कहता है कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस r है और सेंटर क्या है, जेड नोट है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका सेंटर जेड नोट है, और हमने जो लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस कंसीडर करी वो r है, तो ये कोई सर्कल होगा हमारा, ठीक है। तो वो कहता है कि इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस r सच दैट फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, और इस सर्कल के इनसाइड में जितने भी जेड वैल्यूज पॉसिबल होंगी, जितने भी जेड पॉइंट्स होंगे, उन सब के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो हमारा r होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अब अगर आप देखो कि फंक्शन अगर एनालिटिक है इनसाइड में, आउटसाइड में और बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। और क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो हम उसको पावर सीरीज की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो पावर सीरीज का सम हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डिफाइंड मिल रहा है। डिफाइंड मतलब एक डेफिनेट वैल्यू है उसकी। तो हम क्या बोलेंगे, जो सम है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट इन नेचर है। तो यहाँ से जो r हमारा निकल के आता है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब किसी भी z पॉइंट के लिए इनसाइड द सर्कल जो पावर सीरीज हमारी है वो कन्वर्जेंट इन नेचर है, तो उसके लिए r जो होगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला हमारा ये कैसे आता है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम ऐसे क्यों लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सर्किल के इनसाइड में जितने भी जेड पॉइंट्स हैं उनके लिए पावर सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन हमें क्या गिवन है, एनालिटिक गिवन है। तो अगर कोई भी पावर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वनथ टर्म डिवाइडेड बाई nth टर्म, और इसका मॉडुलस लेस देन वन होना चाहिए, तभी हमारी पावर सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है।
और क्योंकि पावर सीरीज हमें कन्वर्जेंट गिवन है तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। तो हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस वन एथ टर्म क्या है, ए एन प्लस वन इंटू में जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर n, और इसका मॉडुलस क्या होगा, लेस देन वन होगा। अब z माइनस जेड नोट की पावर n से ये पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, जेड माइनस जेड नोट की पावर वन सिर्फ बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इसका मॉडुलस इंटू में जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस, ये क्या होगा, लेस देन वन होगा। अगर मैं इस टर्म को नाम देती हूँ वन अपॉन आर का, तो वन अपॉन आर उस साइड जाएगा तो आर मिलेगा हमें, तो हमें क्या मिलता है, जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस लेस देन आर। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मैं जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस इज इक्वल टू आर लिखूं तो हमें पता है ये सर्कल हमें मिलता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि आर जो सर्कल के इनसाइड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए पावर सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमारा क्या आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे r जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो r को अगर मैं निकालूँ इधर से तो r हमारा क्या आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, और यही हमने फॉर्मूला लिखा है r को फाइंड आउट करने का। ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, और ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर कोई अदर सीरीज हमें गिवन है तो उसका हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल है हमारा कि हमें रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है इस गिवन पावर सीरीज के लिए। अगर हम जनरल पावर सीरीज की बात करें तो हम उसको लिखते थे समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर n, और इस केस में हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है, और इसका मॉडुलस, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा होता था जेड माइनस जेड नोट के का मॉडुलस लेस देन किसके होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। तो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, अगर हम कंपेयर करें इन दो सीरीज़ को तो ए एन हमारा क्या होता है, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू में एन डिवाइडेड बाई फोर रेज टू पावर एन, और जेड नोट हमें क्या मिल रहा है, माइनस थ्री। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करूं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ए एन हमारा क्या है, माइनस वन रेज टू पावर n इंटू में n डिवाइडेड बाई फोर रेज टू पावर n, और होल डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन क्या है हमारा, माइनस वन रेज टू पावर n प्लस वन इंटू में n प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर रेज टू पावर n प्लस वन, और इसका मॉडुलस। तो फोर रेज टू पावर n से ये पावर कैंसिल होगी, क्या बचेगा, फोर की पावर वन बचेगी। अब इससे ये पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस वन बचेगा। तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, और माइनस वन क्योंकि है तो माइनस साइन हम लिख लेंगे। अब फोर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, फोर n, और डिवाइडेड बाई, अगर मैं n इस टर्म में से कॉमन लेते हैं तो हमें बचता है वन प्लस वन अपॉन n। ठीक है, इसका मॉडुलस। अब n से n कैंसिल होगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं करूं तो ये टर्म हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस फोर का मॉडुलस, और वो किसके इक्वल होता है, फोर के। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या आ गया, फोर। और अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम देखें तो हम देखते थे जेड माइनस जेड नोट लेस देन होना चाहिए आर से, तो माइनस जेड नोट की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री है, और एक माइनस पहले ही था, तो जेड प्लस थ्री इसका मॉडुलस लेस देन होना चाहिए आर से, और आर हमारा क्या है, फोर। तो ये क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इनको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।